निगरान वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान होंगे। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। आज़म खान चीफ सेक्रेटरी समेत मुख्तलिफ ओहदों पर जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। तीन नाम हुकूमत जबकि दो नाम अपोजिशन ने दिए थे। आज़म खान के नाम पर इत्तेफाक करने पर वज़ीर-ए-आला स्पीकर और तहरीक इंसाफ का मशकूर हूँ। अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती तो मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करूंगा। दहशतगर्दी से निपटने का वाहिद रास्ता जमहूरियत है। अफगान हुकूमत से पहले से ज्यादा रवाबित बढ़ाने की जरूरत है। इमरान खान ने न सिर्फ पीटीपी वालों को रिहा किया बल्कि उनसे मुजाकरात भी किए। हमारी हुकूमत में किसी भी दहशतगर्द तंजीम से कोई बातचीत नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। हमें वर्ल्ड बैंक की खैरात की जरूरत नहीं। पाकिस्तान का मसला करप्शन और जाती मुफादात हैं। इन लोगों की मौजूदगी में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी ने कहा कराची का मेयर जियाला होगा। जब पूरा सिंध डूब रहा था उस वक्त जियाला कहां था। हमें जमात इस्लामी सिराजुल हक। इक्तदार जाने से परवेज इलाही इमरान खान की तरह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला के इंतखाब इलेक्शन कमीशन का आईनी हक है। इमरान खान इस्तीफे मंजूर नहीं करवाना चाहते तो असेंबली में आकर स्पीकर से बात करें। वफाकी वज़ीर-ए-तालीम राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू।